सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज हम मॉर्निंग में भोपाल से आ चुके हैं अभी घर पे, तो शाम को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जैसे हम परसों हमने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप क्या है, बस सुन लेते हैं और उसके बाद कोई संघर्ष नहीं करना चाहता और कोई कहीं जाना नहीं चाहता। तो साथियों, मेरा जाने का क्या उद्देश्य था, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था जब हम भोपाल गए थे परसों। तो मैंने आपको कहा था कि मेरा जो उद्देश्य है कि हमने जहाँ जहाँ से भी जिन भी मंत्रियों से जो ज्ञापन लिखवाए हैं, तो वो जो ज्ञापन की प्रतियां हैं वो हमें कब तक मिल सकती हैं, या फिर जो मिलेंगी भी, तो मतलब वो प्रतियाँ जहाँ पर भिजवानी थी माननीय शिक्षा मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, तो वो पहुँच गई हैं क्या, और बाकी मुझे प्रति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, इसके बारे में। तो हम गए, हमने सभी जगह चर्चा की, मुलाकात की, और जहाँ भी कुछ जगह तो जहाँ से हमने लिखवाया था, तो कई तो पीए मिल भी गए थे उनके, कई जगह नहीं भी मिल पाए थे। और कहीं ना कहीं इस समय चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं बिजी हैं सब जगह। तो हमें, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ से हमने लिखवाया है, सभी जगह से 5-6 कैबिनेट मंत्रियों से मैंने लिखवाया था, तो डेफिनेटली वो चीज़ें वहाँ पहुँच गई हैं। और रही बात कि जो मंत्री जी हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ तक हमने लेटर जा चुके, लेकिन जो प्रति मिलनी थी वो अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इस समय सब भाग दौड़ में हैं और बिजी भी हैं, व्यस्त भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमें फुर्सत मिलेगी तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रति दे सकें। और साथियों, और रही बात मैं आपको कहने वाला था कि संघर्ष के अभी इतना बाकी है कि मंजिल पहुंचने में सिर्फ संघर्ष बाकी रह गया है, इतना बाकी रह गया है कि हमको जो, देखो, मैटर मेन जो मुद्दा है, पद बढ़ाने को लेकर हो, चाहे ओबीसी होल्ड क्लियर को लेकर हो, चाहे वेटिंग क्लियर को लेकर हो, चाहे प्रयोगशाला के पदों को लेकर हो, चाहे प्रथम काउंसलिंग के बचे हुए 525 पद हों, चाहे डीपीआई के पद भी कुछ बचे हों, तो उन सभी मैटरों को सिर्फ उसी तरीके से सुलझाया जा सकता है जिस तरीके से हमको भी मेहनत करनी है। तो हमको सारे मैटरों को रखना है, और मैंने आपको कहा भी है कि आप सिर्फ मेरा प्रयास देख के आप थम जाते हैं, सुकून आपको लगता है, और उसके बाद आप संघर्ष नहीं करते। साथियों, आप भी संघर्ष कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आचार संहिता है, हम उसका पालन करके भी दो दो चार चार लोग हर रोज़, हर दो दिन बाद या तीन दिन बाद मिल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप भी संघर्ष करिए, चाहे ओबीसी की जिनकी नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं वो अपने स्तर पर पूरा प्रयास करिए, क्योंकि आपका ही एक ऐसा मुद्दा है, और साथ में जो काउंसलिंग करवा चुके हैं वो अभ्यर्थी, उनका ही एक ऐसा मुद्दा है जिनके साथ साथ सरकार चाहे तो कोई दूसरा सोल्यूशन निकाले, चाहे प्रथम सोल्यूशन ये निकाले कि पद बढ़ा के जिसपे पदवृद्धि की भी मांग पूरी हो जाए, और सभी अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है, चाहे ओबीसी की नियुक्ति हो, चाहे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके वो अभ्यर्थी हों, और उसके साथ साथ सभी कैटेगरी को फ़ायदा होगा। तो सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। और कुछ साथी ये चाहेंगे कि अभी क्या होने वाला है आने वाले समय में, तो सिर्फ मेहनत बाकी, आप संघर्ष करो और सारे प्रूफ रखो। देखो, ओबीसी होल्ड वाले अभ्यर्थी जिनके ओबीसी नियुक्ति पत्र रुके उनके लिए यही सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट के आदेश भी आए हैं, आप सबने देखे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के भी मैटर हो वर्ग 1-2 का, तो उसमें भी ये कहा गया है कि उन्होंने, हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि 87% या पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ और 13% होल्ड किए जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो आप इस चीज़ को माननीय शिक्षा मंत्री जी तक, माननीय डिप्टी सीएम, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो नियुक्ति पत्र रुके हैं वो जारी हो जाएंगे, और सभी कैटेगरी को जो नुकसान है वो नहीं होगा, क्योंकि होल्ड या फिर नियुक्ति पत्र वर्ग 1-2 के रुके हों, चाहे वर्ग 3 के रुके हों, नुकसान तो सभी कैटेगरी वालों को भी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, और मैं तो कहूँगा कि आप पूरा प्रयास करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आप अपने स्तर पर पूरा प्रयास करो, और हर 2-3 दिन में दो चार चार लोग दोनों डिप्टी सीएम से मिलते रहो। राजन शुक्ला जी हैं डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा जी हैं, जाते रहे राजन शुक्ला जी से मिलिए, क्योंकि वो उस मैटर को अच्छे से लीड कह सकते हैं। हम जहाँ लड़के जाते हैं वो बताते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और साथ में मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करें कि कहीं वो कार्यक्रम में होते हैं तो उस कार्यक्रम में भी शामिल हों, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ उनको अवगत कराएँ, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, जो भी उनका कोई मुद्दा होता है, कोई भी मैटर होता है, तो वो मिलते हैं। इसी प्रकार हमको भी मिलना है।
साथ में दोनों डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, पूरा प्रयास करें। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है और आई अंतिम चरणों का संघर्ष है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है, अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट जारी रखेंगे तो चुनाव के बाद आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और आपके एक एक पद, पूरे पद भरे जाएंगे, चाहे वो प्रयोगशाला के पद हों, चाहे वो प्रथम काउंसिल के बचे हुए पद हों, चाहे जो नियुक्ति पत्र जिनको जारी करने हैं, जिसमें कुछ होल्ड हुए हैं, किसी के नियुक्ति पत्र रुके हैं, उन सभी को जारी करने के, चाहे उनको पद बढ़ाने पड़े हों, कुछ भी करना पड़ा हो वो करेंगे, लेकिन आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है साथियों, तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। रिस्पॉन्स अब मैं आपको सकारात्मक कहूँगा तो आप बस फिर वही, तो मैं इतना कहूँगा कि संघर्ष बाकी है, बाकी सफलता आपसे दूर नहीं है, संघर्ष बाकी है, सफलता आपसे दूर नहीं है, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, फिर आपको सोचना है, समझना है और संघर्ष जारी रखना है। ठीक है साथियों, तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी ये वीडियो सभी तक इंतज़ार जो कर रहे थे कि आप भोपाल आने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, मैंने भोपाल में जाके एक भी वीडियो नहीं बनाया कहीं से भी करके, क्योंकि आपको मैं बनाता हूँ तो सब कमेंट्स करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो मैंने आज इन्फॉर्मेशन सारी आपको बता दी है। आप प्रयास जारी रखो सभी स्तर पर, चाहे जो OBC के नियुक्ति पत्र रुके हैं वो हों, चाहे वेटिंग में हों, चाहे प्रयोगशाला के पद के लिए प्रयास कर रहे हों, चाहे प्रथम काउंसलिंग के सेकंड काउंसलिंग जो पद बचे हैं उनको लेकर हो, चाहे पद वृद्धि को लेकर हो, सभी मैटर रखो और अपने स्तर पर पूरा प्रयास करो। और हाई कोर्ट का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि 87-13% कोई मैटर नहीं है, तो सारी प्रक्रिया में यही जो कि एक बीच का रास्ता रोके हुए हैं। और एक और बात, अरुण रश्मि समी मैम हैं जो आप सब जानते हैं कि प्रमुख सचिव हैं वो शिक्षा विभाग की, तो उनके वो ही कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रोकते हैं। हम मंत्रियों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं तो वो अटका देती हैं, यहाँ पे कामनाचार मैम है, तो हमें इनको लेकर भी साफ रास्ता करना है कि ये ऐसे यहाँ पे अधिकारी हैं जो हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देते। इन्होंने हमारी 2018 की भर्ती को अटकाया है, इन्होंने 2020 की भर्ती को अटकाया है, चाहे वर्ग एक हो, दो हो, चाहे तीन हो, तो हम सभी को इस चीज़ को भी ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है साथियों, प्रयास ही हमें सफलता दिला सकता है, ये आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, सभी को वीडियो शेयर करें जो इंतज़ार कर रहे थे, जो जानकारी लेने के मूड में थे कि यार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद।